हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। मेरा नाम रेनु है और आज वाली रीडिंग है काली माँ जी के मैसेजेस। मुझे दो दिन से ये मैसेज आ रहा था कि मुझे ये रीडिंग करनी है। आई डोंट नो व्हाई, कि हो सकता कि आप लोगों को राइट नाउ ये सुनने की ज़रूरत है। काली माँ ऑल अबाउट फेसिंग द फियर। तो आप लोग, मुझे लगता है कि कई बहुत सारे लोग अपने फियर को लेके, हो सकता है काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से या सालों से किसी न किसी फियर में डूबे हुए थे, तो वो ओवरकम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये मैसेज था। आपको हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में लेके कुछ डर है, अपने कॉन्फिडेंस को लेके, अपने अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, नई जॉब को लेके, किसी भी चीज़ का ये डर हो सकता है। आपकी ईगो भी हो सकती है जिसको आप उससे उभर रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की ना थर्ड आई ओपन हो रही है, एक्टिव हो रही है थर्ड आई चक्रा जो है। डिवाइन गिफ्ट जो है, स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो रहे हैं आप लोगों के, और कईयों के हार्ट चक्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जीवन ज्योत, जैसे बहुत ज्यादा डाउन पीरियड में से निकल के कोई उभर रहा है। गिर गया था वो टेन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, गिर गया था बुरी तरह से, फिर आपने हिम्मत की ही बहुत ज्यादा, तो उससे उठ रहे हो। तो मैं इस कैंडल को भी देख सकती हूँ यहाँ पे, इसकी लाइट बहुत ज्यादा लो है, तो कई लोगों को इन फियर के साथ अभी भी लड़ने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा ये डाउन हो रही है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस खो चुके हो आप, हिम्मत खो चुके हो, तो यहाँ पे उसी डर को फेस करने का टाइम है। इसलिए शायद काली माँ का मैसेजेस जो है मुझे चैनल हुआ। तो यहाँ पर है मेरे पास थ्री पायल्स जिससे आपको चुनने हैं। आप जो है स्नोफ्लेक्स, आज जो है पूरा दिन यहाँ पर स्नो पड़ती रही, तो मैंने सोचा कि ये स्नोफ्लेक्स यूज़ करती हूँ। ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स, यहाँ पे है रेड स्नोफ्लेक, और यह है सेक्सुअलिटी, और यहाँ पे है सिल्वर स्नोफ्लेक जो आप चूज कर सकते हो, और लास्ट वन है प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड, जिसके लिए है आपको कॉपर कलर का स्नोफ्लेक, द शाइनी वन। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ पायल वन के साथ। हाय पायल वन, तो अगर आपने रेड वाला स्नोफ्लेक चूज किया है या फिर ये वाला कार्ड चूज किया है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स, मुझे ये लगता है कि आप लोग जो है ना कुछ जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है ना, उसको समझने वाले हो कि एक्चुअल में आप चाहते क्या है, क्या करना चाह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या है आपकी डिजायर्स और गोल्स क्या हैं आपके। तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पर कि आप जो है ना कुछ भी, सब लोगों के लिए अलग अलग होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोग करते कुछ और हैं, कर रहे कुछ और होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन हमारे माइंड में हमारी डिजायर्स और वो गोल्स जो हैं और कुछ और चल रहे होते हैं, और हम लोग उनको अवॉइड करके जो भीड़ काम कर रही होती है ना, उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप आने वाले टाइम में या प्रेजेंट मोमेंट में ऑनर कर रहे हो अपनी ट्रू फीलिंग्स को, कि आप एक्चुअल में करना चाहते, क्या करना चाहते हो, चाहे आपके करियर वाइज हो, चाहे आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, सब हो सकता है कि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए हो, खुद की ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, किसी भी तरह का जो भी, ये छोटी फीलिंग भी हो सकती है, बड़ी फीलिंग भी हो सकती है, कोई बड़ा गोल भी हो सकता है, और कुछ छोटा सा बात भी हो सकती है, जैसे कॉन्फिडेंस आना, किसी चीज को करने के लिए हिम्मत बढ़नी और कॉन्फिडेंस आना, वो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, किन डरों से आप ऊपर उठ रहे हो, क्या मैसेजेस हैं काली माँ के यहाँ पर। ग्रीफ, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कई लोग जो हैं पायल वन, अगर आप लोग किसी अपने को आपने लूज किया है, या आपका कोई पेट भी हो सकता है, या कुछ भी आपने धोखा खाया है, हार्ट चक्र यहाँ पे आपका ओपन किया जा रहा है, क्योंकि काफी देर से जो शायद आप इस ग्रीफ वाले मूवमेंट में रहे हैं, इस सैड अनहैप्पी वाले मूवमेंट में रहे हो आप, उस दुख से आपको उभारा जा रहा है। आपको क्या दी जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपके लिए, ये हार्ट चक्र जो हील किया जा रहा है।
हो सकता है कि आप ही कुछ ऐसा कर रहे हो, या कोई एकदम से आपकी जिंदगी में आ गया जिसने आपका हार्ट चक्र जो है ना वो हील हो गया, आपको कोई कोई मीठे बोल भी बोल जाए तो भी जो है हार्ट चक्र के ऊपर को बहुत ज्यादा कोई अपनापन दे जाए, कोई स्ट्रेंजर भी ऐसा हो सकता है कि अपनापन दे जाए और आपको जो है ना कोई ऐसी बात कर जाए जो आपके दिल को छू जाए। तो यहाँ पे मोस्टली तो मुझे लगता है कि जिनके जो है इस ग्रीफ की वजह से हेल्थ इश्यूज भी थे उनकी ये हीलिंग हो रही है, या सिर्फ अगर हार्ट चक्रा ही आपका ब्लॉक था किसी ना किसी रीजन से तो यहाँ पे उसकी हीलिंग होती नजर आ रही है। हो सकता है किसी हीलर के साथ आपने कनेक्ट किया रिसेंटली, किसी गुरु के साथ कनेक्ट किया है, कुछ भी ऐसा स्टार्ट किया है, कोई अपॉर्चुनिटी ली है जिससे धीरे धीरे जो है ना आपको शायद पता भी नहीं लग रहा लेकिन आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए? इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, वो सब कॉन्शियस माइंड की जो लेयर्स है ना वो ओपन हो रही हैं धीरे धीरे, वो खुल रही हैं, सब कुछ आपको जो है ना साफ साफ नजर आ रहा है। कईयों के ये लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी क्या हुआ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो सब कुछ साफ साफ कईयों को ये इंट्यूशन से पता लग रहा है। हो सकता है कि आपने कुछ अभी फुल मून को कुछ रिलीज किया है, कुछ इस तरह से नहीं लेट किया है किसी चेंज को होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने दे रहे हो आप, कुछ ऐसा चेंज होने दे रहे हो, वेलकम कर रहे हो, उस वजह से जो है ना इंट्यूशन हाई हो जाती है। क्योंकि आप जब तक रेजिस्ट करते हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प नहीं होती, वो और ज्यादा पेन और ग्रीफ क्रिएट करती है। पर आप जब लेट करते हो ना ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को अपनी लाइफ में आने के लिए खुशी खुशी, तब जो है ना ये आपकी इंट्यूशन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में भी हेल्प होती है। देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप, दोनों ही कार्ड यहाँ पर हैं। अगेन हीलिंग का हो सकता है, क्रिएटिविटी का हो सकता है, कुछ आपको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है कि आपको लाइफ को कैसे क्या करना है, आने वाले समय में क्या करना है आपको, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों ही इंट्यूशन के, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं यहाँ पर, क्राउन चक्रा का और थर्ड आई चक्रा का, कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं यहाँ पर। बहुत सारी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, हीलिंग, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कुछ भी ऐसा नया मौका जो आपको आगे बढ़ने के लिए, या कुछ मैसेजेस ऐसे आपको आ रहे हैं, आपको शायद कईयों को मैसेजेस भी चैनल हो रहे हैं अब जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। यानी कि ये सब जो कुछ हो रहा है ना आपके फियर को निकालने के लिए हो रहा है, जो फियर था आपको किसी के साथ अब कहते हैं ना रिलेशनशिप ना शुरू करने का, वो फियर हो सकता है, किसी को स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ का फियर था वो उनको मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, ये नया नई खुशी आपको दी जा रही है। नेक्स्ट है, ये भी थर्ड आई चक्र का कार्ड है, तो कुछ जो भी आपको बताया जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात की है, तो कुछ ना कुछ जो है ना आपको फ्यूचर में ये बोला जा रहा है कि एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये जो चेंजेस या अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है ना वो आपकी ग्रोथ के लिए, आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी आपके ग्रोथ के लिए है। हो सकता है कि आपको टैरो रीडर ही बनना है तो आपको मैसेजेस चैनल होने लग गए एकदम से आपकी इंट्यूशन बढ़ गई, तो उससे क्या है कि आपको एक्शन लेना है, यूज करना है उसको एबिलिटी को, इंट्यूशन को, जो आपके फायदे के लिए हो, आपकी ग्रोथ के लिए हो। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये नहीं है कि आपको फियर दूर करने के काली माँ यहाँ पे मैसेज दे रही है या अपॉर्चुनिटीज दे रही है, पर फिर भी अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उठ के अगर आपको फील हो रहा है कि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो उन मैसेजेस का, यूज कीजिए उसको अपनी क्रिएटिविटी के लिए, यूज कीजिए, कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। ओह माय गॉड, शायद मैंने नोटिस भी नहीं किया। अगेन एस, तो ये क्रिएटिविटी स्पार्क हो सकती है, एकदम से किसी को बोला जा रहा है कि अपने बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने डर से बाहर निकलो, कम कॉन्फिडेंस में आ रहे हो आप, और एकदम से आपको कोई क्रिएटिव आइडिया मिल गया तो उसके लिए आप जो है ना रेडी हो रहे हो, यानी कि एकदम से आपने एक्शन लिया और कुछ एक इस तरह से एक बड़ा कुछ हो गया, जैसे मीडिया पे ना कुछ आपने वीडियो डाली तो वो वायरल हो गई, तो इस तरह से कुछ एक कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको लगी पहले बट
क्योंकि आपने उसके लिए एक्शन लिया, तो वो एक बहुत ज्यादा बड़े उसमें अपॉर्चुनिटी में, बहुत बड़े उसमें चेंज में, ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गई, ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। यह डेफिनेटली थर्ड आई चक्र के, और थ्री एसेस आज तक मैंने पता नहीं कितनी रीडिंग्स की होंगी, कभी भी थ्री एसेस नहीं निकले, मुझे लगता है टू भी नहीं निकले हैं। अगर एक भी निकल जाता है ना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली आप यहां से हार्ट चक्रा कि आपको हीलिंग दी जा रही है, इंट्यूशन का गिफ्ट दिया जा रहा है, साइकिक एबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, और थर्ड चक्रा जो है ना कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हो उन साइकिक एबिलिटीज को यूज करने के लिए। कईयों के लिए होता है ना कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट को एकदम रात को एकदम से आइडियाज आने शुरू हो गए, इंस्पिरेशन आनी शुरू होगी, और वो सुबह उठा पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह से कोई भी इस तरह का आइडिया जिसने फटाफट जो है ना आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो ये थे काली माँ के मैसेजेस आपके लिए पायल वन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं angelguidance2020@gmail.com पर, और टैरो लर्निंग कोर्स लेवल 1 या लेवल 2 के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेम ईमेल आईडी पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। सच ए ब्यूटिफुल रीडिंग पायल 1। तो चलते हैं हम लोग। हाय पायल 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है जो है सेक्सुअलिटी, तो यहाँ पे अगर आपको अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर किसी बात का डर बना हुआ था, आप यहां से वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो है ना उस डर को फेस कर रहे हैं, किसी को बताने का डर लगता था आपको सेक्सुअलिटी के बारे में, या फिर आपके साथ ऐसे अब्यूज हुए थे सेक्सुअल जिससे आपने पावर खोल दी थी, वो बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, क्रिएटिविटी आप में कहीं ना कहीं खो गई थी, वो सेल्फ एम्पावरमेंट कि अपने लिए खड़े होना, अपने लिए स्टैंड लेना, वो कॉन्फिडेंस आना, वो फेस करना, वो फियर को फेस कर रहे हो अब आप, और उससे बाहर निकल रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा कैपेबल। अब आप अपनी पोटेंशियल को यहाँ पर रेकग्नाइज कर पा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है, प्रेयर। तो हो सकता है कि आपकी जो प्रेयर्स, आप बहुत ज्यादा प्रेयर करते रहे हो काफी टाइम से, तो उस प्रेयर्स का जवाब आपको मिल रहा है। ये स्ट्रेंथ जो है ना, ये जो काली माँ आपको ये स्ट्रेंथ दे रही है, ये आपका सैक्रल चक्रा हील किया है, क्योंकि आपने शायद बहुत ज्यादा प्रेयर्स करते हो। आप हो सकता है कि आप काली माँ के भक्त हो, तो आपने अपनी प्रेयर्स जो है ना माँ का दिल जीत लिया है, तो आपको ये सारे डर आपके जो है ना अपने आप को खुद को लेके जो थे ना, वो सारे डर खत्म किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था आपको अपने आप खुद को लेकर, खुद की लुक्स को लेके कि कैसे दिखते हो आप, अपने कॉन्फिडेंस को लेके बहुत सारी जो है स्ट्रगल थी आपके मन में, जो आपको ग्रोथ की ओर नहीं लेके जा रही थी, उस सारी स्ट्रगल से आपको निकाला जा रहा है। ये स्ट्रगल आपकी आउटर लोगों के साथ भी हो सकती है, और ये आपकी खुद की मुझे ज्यादा लग रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना आपके खुद के अंदर बहुत ज्यादा अपने खुद को लेके बना हुआ था, जो नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे करना है, मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, वो सारी तरह के जो है ना वो आपके दूर किए जा रहे हैं, क्योंकि उस डार्क एनर्जी से आप जो है ना दूर जा रहे हो, उस फियर से, उस ईगो से बाहर जा रहे हो। इस ये जो है ना, ये प्रेयर्स जो आपने प्रेयर्स करते रहे हो सकता है आप काली माँ का कोई मंत्र का जाप करते रहे हो, जो भी आपने किया प्रेयर्स के थ्रू आपके, ये उनका आपको आंसर मिल रहा है, आपका आपकी प्रेयर की वजह से जो है ना आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ये कि आपको उन उस डर से दूर किया जा रहा है। क्रिएशन, क्रिएशन का कार्ड बताता है कि क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप लाइफ में। हो सकता है इस क्रिएशन के अराउंड भी आपकी जो है ना डर बना हुआ है, कुछ कुछ स्पिरिचुअलिटी में शुरू करना चाहते हैं आप, आपके पास जो है ना हीलिंग पावर हो सकती है, उसके हाथ में एक क्रिस्टल है, तो कुछ भी आप स्पिरिचुअलिटी में नया करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अगेन हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस आपको कम है, या फिर आप जो है ना आपको लगता है कि अकेले कैसे होगा, उस तरह की जो है आपको ब्लॉकेजेस हैं,
तो ये ब्लॉकेजेस आपको हटाए जा रहे हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं करियर वाइज, स्पिरिचुअलिटी में, अपनी क्रिएटिविटी में, हीलर्स के लिए मुझे ज्यादा लग रहा है ये, हीलर्स, लाइट वर्कर्स के लिए, टैरो रीडर्स के लिए शैमन है, वैसे कार्ड में शैमन दिखाई हुई है, तो ये आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो यहाँ पर। हो सकता है आपका गाइड्स के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है यहाँ पे, उससे जो है ना आपको न्यू बिगिनिंग आपको मिल रही है। कुछ भी, बुक राइटर हो सकते हो, बुक लिखना चाहते हो आप, कुछ भी ऐसा करना चाहते हो जिसके लिए आप कॉन्फिडेंस नहीं था, डर बना हुआ था बहुत ज्यादा, ब्लॉकेजेस बने हुए थे, वो आपकी प्रेयर की वजह से जो है ना वो सारी आपकी समस्याएं दूर की जा रही है, वो फियर जो है ना काली माँ आपके दूर कर रही है। सोलमेट, कई लोग जो है ना अपने सोलमेट के साथ जुड़ रहे हैं, जिनको लग रहा था कि वो अकेले कैसे होगा, ये अकेले नहीं शुरू हो पाएगा, इसलिए ये सोलमेट भी जो है ना काली माँ आपके लिए भेज रहे हैं। ये सोलमेट जरूरी नहीं है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। कईयों के जो है नई कोई प्रपोजल आ रही है, कोई रिश्ता आ रहा है आप लोगों के लिए, पर मुझे लगता है कि ये जो है ना ये ज्यादा मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई सोल ट्राइब आपकी तरफ आ रही है, जिससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस, आपको हेल्प मिलेगी कि वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। ये मुझे वो हेल्प ज्यादा लग रही है, सोल ट्राइब जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प होगी आपकी? किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि वो आपको अबंडेंस क्रिएट करने में, यहाँ पर किंग बनाने में हेल्प करेगा। सोलमेट, जो भी आपका सोलमेट आने वाला है आपकी लाइफ में, वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस के लिए हेल्प करेगा, ये न्यू बिगनिंग के लिए हेल्प करेगा वो आपको। जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके हर तरीके से आपको ये हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए ये सोलमेट जो है ना आपकी लाइफ में काली माँ भेज रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए ये भेजा जा रहा है। तो ये फियर जो है ना आपके पाल 2, अपने सेक्रल चक्रा को लेकर, अपनी कॉन्फिडेंस को लेकर, अपनी इम्पावरमेंट को लेके, हो सकता है कि आपको इस बात का भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप हीलिंग कर पाओगे अच्छी तरह से, ये नहीं कर पाओगे। कईयों को जब तक वो स्टार्ट नहीं करते हैं काम को, हीलिंग नहीं करना शुरू करते हैं, तब तक वो कॉन्फिडेंस भी नहीं कई लोगों के पास होता है। और ये भी मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कई लोग जो हैं आपसे खुश भी नहीं है कि आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो या हीलिंग करना चाहते हो लोगों की। जैसे अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, तो बहुत लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते हैं टैरो रीडिंग करवाना या करना, तो ये भी इस तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट आपके अराउंड मुझे नजर आ रहे हैं, पर इन सब से जो है ना आप दूर जा रहे हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब ब्लॉकेजेस, चाहे वो लोग हैं, चाहे खुद का आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फिडेंस है, वो सारा दूर किया जा रहा है और आपको न्यू बिगनिंग दी जा रही है। वो सारे जो फियर आपके मिटाए जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनने वाले हो, बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करने वाले हो इस सोलमेंट की हेल्प से। तो अगर आप अकेला समझ रहे थे, तो आपको हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए सोल ट्राइब भी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। ये थी पायल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो angelguidance2020@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो लर्निंग कोर्स लेवल 1 या लेवल 2 भी अगर आप सीखना चाहते हैं, इसलिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेम email ID में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ पायल 2। हाय पायल 3, तो अगर आपने वो कॉपर वाला स्नोफ्लेक चूज किया है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, तो देखते हैं आपकी रीडिंग काली माँ के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कोई ना कोई ट्रिकी स्नेकी स्नेक वाली एनर्जी है आपके अराउंड, कोई टॉक्सिक एनर्जी है आपके अराउंड, जो जिससे अभी भी आपको डर बना हुआ है, ब्लॉकेजेस बने हुए, कॉन्फिडेंस नहीं है, नर्वस लग रहे हो आप देखने में भी। तो कहीं
ना कहीं ये इस मैसेज से वैसे पता लग रहा है प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड, लेकिन हम लोग बाकी मैसेजेस भी देखते हैं कि क्या आपको इस टॉक्सिक एनर्जी से राहत मिल रही है, काली माँ आपको आपको इस एनर्जी से दूर कर किया जा रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है बिटर स्वीट। यहाँ पे मुझे लगता है कि कई लोग होप खो चुके हैं, कि कुछ सरेंडर किया हुआ है आप लोगों ने, लेकिन लगता है कि आपको इट्स टेकिंग फॉर एवर, हमेशा बहुत लंबा टाइम लग रहा है इस टॉक्सिक एनर्जी को दूर जाने में, कुछ हो नहीं रहा है। कई लोग तो जैसे भगवान से ही गुस्सा हो गए हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, नया न्यू 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 बिगनिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये रिलीज न्यू मून को हो सकता है आपका, रिलीज कि ये रिलीज हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है। यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको जो है ना, आप जिस वजह से गुस्से हुए हुए हो भगवान से भी, वो एक्चुअल में आपको ट्रांसफॉर्मेशन अब दिखने वाली है। सून हो सकता है कि फुल मून को आप रिलीज करने वाले हो, क्लियर करने वाले हो। ये इतनी बिग स्वॉर्ड्स आपको दी जा रही है ये एनर्जी क्लियर करने के लिए। आप देख सकते हो कितनी बड़ी स्वॉर्ड है उसके पास। डेथ एंड रीबर्थ, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा थे भगवान से, विश्वास कहीं ना कहीं आप लूज कर रहे थे, ट्रस्ट लूज कर रहे थे, तो ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ भेजी जा रही है। काली माँ जो है ना, आपको ये सारी नेगेटिव कॉर्ड्स कट करने के लिए आपकी तरफ भेजी जा रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फ्यूचर के बारे में, यहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये आ रही है सून, ठीक है, ये डेथ आ रही है। लेकिन ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स कि आप क्या आप रेडी हो, आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, या आप लोग अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है अपने फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में क्या चाहते हो आप, क्या विशेज हैं आपकी, क्या डिजायर्स हैं आपकी, वो मैनिफेस्ट करने की जरूरत है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई लोगों ने मैनिफेस्ट किया था, तो ये डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होती नजर आ रही है। टूटता हुआ तारा, यानी कि किसी ने विश मांगी और उसकी विश फटाफट जो है पूरी होगी, कि इससे पहले कि आप पूरी तरह से भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाए, उससे पहले ही आपकी जो है ना विश पूरी हो रही है। सच ए ब्यूटिफुल कार्ड, राइट। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, मिराकल। वाह। तो मुझे यही लग रहा था कि किस तरह से ये भेजा जाएगा, ये किस तरह से टॉक्सिक एनर्जी आपसे दूर की जाएगी, ये मिराकल एकदम से कुछ ऐसा हो जाना जो आपको एकदम से सरप्राइज कर दे, जैसे सरप्राइज गिफ्ट होता है, सरप्राइज पार्टी होती है, उस तरह से एकदम से मिरेकल हो रहा है। और ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि देखते हैं कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है आपकी, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है आपकी। जो आपने मांगा था कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, तो आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका मिरेकल हो रहा है लाइफ में। एक्चुअल में एक ऐसा इवेंट जो आपने सोचा भी नहीं था, मेरा डॉग भी यहाँ पे इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे एकदम से आ गया मिरेकल भगवान ने, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, होप रखी इतने लंबे टाइम तक। और यहाँ ये जो ये मेजर अरकाना कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का जो कार्ड है, डेफिनेटली आप जो है ना उस टॉक्सिक एनर्जी से दूर होते नजर आ रहे हो, जहाँ पे कभी भी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हुई है। ये जादू आपकी, ये चमत्कार काली माँ आपके लिए लेके आ रही है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये बिटर स्वीट में ही नजर आ रहा था कि आप जो है ना होप जो है लूज कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। इस लड़की के फेस पे भी नजर आ रहा है कि डर बना हुआ है कि कब होगा ये, कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके आंसर्स ये हैं आपके सामने, डिस्कवरी,
यहाँ पे आप डिस्कवर करोगे कुछ ना कुछ ऐसा। कहीं उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये एंजल के कनेक्शन और मिराकल से ही आपका जो है ना कनेक्शन बढ़ जाएगा। यू नो होप, जो ट्रस्ट आप खो चुके थे यहाँ पर, वो ट्रस्ट आपका बढ़ने वाला है एकदम से। भगवान ने मिराकल कर दिया तो ऑब्वियसली हर ही का जो है ना ट्रस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। ये सोच के कि कैसे हुआ, ये एकदम से कैसे हुई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो एकदम से जैसे आपको अपने स्पिरिट गाइड्स पे, अपने एंजल्स पे, अपने भगवान पे, अपनी माता रानी पे एकदम से जो है ना विश्वास होने लगा, इतना स्ट्रांग विश्वास बना दिया। इस चमत्कार से जो काली माँ ने आपके ऊपर विश्वास बनाएंगी, वो देखने लायक होगा। जो डिस्कवर करोगे आपकी ये ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे वो लग रहा है। इतने ज्यादा मुझे स्ट्रांग जो है ना फीलिंग आ रही है कि किस तरह से वापस आपका विश्वास दिलाया जाएगा। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज अद्भुत होने वाला है वो नजारा, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि कुछ ना कुछ जो है ना ये डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, जो आपने डिस्कवर किया था या आप वेट कर रहे थे बहुत देर से हैपन होने की, आगे बढ़ने की, या अबंडेंस की, या अपने कर्मों के फल मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि वो उसकी वेट कर रही है। जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उसकी वेट कर रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी है, आप देख सकते हो सारे कार्ड्स में, तो कि आप लोग जो है वेट कर रहे थे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इस टॉक्सिक सिचुएशन से। कईयों के लिए करियर प्लेस पे भी हो सकता है कि ये सब चल रहा है, आपके साथ अब्यूज चल रहा है, या आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उससे आपको जस्टिस चाहिए यहाँ पर। तो ये एक दिन से चमत्कार होके एकदम से आपको यहाँ से इस सिचुएशन में से निकाला जा रहा है। काली माँ जो है एकदम से आपके ये जो डर बना हुआ था, ये जो है नेगेटिविटी आपके अराउंड बनी हुई थी, उसमें से आपको बाजू पकड़ के एकदम से निकाला गया है। डिस्कवर करोगे, हार्ट चक्र आपका ओपन होगा। आप डिस्कवर करोगे कि एक्चुअल में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ गाइड्स, पूरी स्पिरिचुअल टीम काम कर रही है, जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए, आपको डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए आपकी हेल्प कर रही है। आपको ये जो आपके कर्मा के फल है ना, वो आपको दिलवाने को, वो आपके लिए खड़ी है, आपके साथ काम कर रही है। सेवन नंबर जो होता है वो भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो अगर कई लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं तो बहुत ज्यादा प्रेयर कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो ये बहुत बड़ा बिग चेंज हो सकता है आप लोगों का डेथ कार्ड के साथ। बहुत बड़ी बिग एनर्जी है ये, टोटली 360 डिग्री पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना सब कुछ एकदम से। जो शायद सालों से, महीनों से नहीं हो पाया था, वो शायद अब कुछ दिनों में जो है ना एकदम से बदल जाए, आपकी दुनिया ही एकदम से बदल जाए। तो क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन, या आप प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं angelguidance2020@gmail.com पर। और अगर आप टैरो लर्निंग कोर्स लेवल 1 या लेवल 2 मुझसे सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे इसी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई एम सो ग्रेटफुल आप लोगों के कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स के लिए, सो मच इंकरेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए। थैंक यू एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड बाय फॉर नाउ।